नमस्कार। परख के आज के अंक में हम एक ऐसी पुस्तक की चर्चा करेंगे जो आदिवासियों की राजनीति से संबंधित है और इसमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों के आदिवासियों के संघर्ष की बात कही गई है जहां पर माओवाद का प्रभाव नहीं है। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों को इस बात का अंदाज़ा होगा कि जब भी हम हिंदुस्तान में आदिवासियों की समस्या की बात करते हैं तो आम तौर पर उसको माओवादी समस्या के साथ जोड़कर देखा जाता है और जिसे हम मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं उसका आदिवासी समस्याओं के बारे में तभी ध्यान जाता है जब माओवादी कोई हिंसक गतिविधि करते हैं। लेकिन जिस पुस्तक की आज हम चर्चा करने वाले हैं वह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह उन क्षेत्रों में आदिवासियों के संघर्ष की बात करती है जहां पर कोई हिंसक संघर्ष, हथियारबंद संघर्ष नहीं चल रहा है, जहां पर माओवादी संघर्ष अनुपस्थित है। आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करेंगे उस पुस्तक के लेखक हैं ऑल्फ गुलवॉल्ड नेल्सन, और नेल्सन ने जिस किताब की रचना की है उसका शीर्षक है आदिवासीज एंड द स्टेट, सबल्टर्निटी एंड सिटीजनशिप इन इंडियाज़ भील हार्टलैंड। तो मुख्य रूप से वो मध्य प्रदेश में जो भील लोग हैं उनकी राजनीति के बारे में बताते हैं कि किस तरह की समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं, किस तरीके से वो अपनी नागरिकता से जुड़े हुए अधिकारों को पाने की कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में जो महत्वपूर्ण बात है वह यह कि मुख्य रूप से नेल्सन ने दो संगठनों की गतिविधियों का अध्ययन किया है और इसमें से एक पहला जो महत्वपूर्ण संगठन है वो है खेदुत मजदूर चेतना संगठन और दूसरा संगठन है आदिवासी मुक्ति संगठन। और जो ये दोनों संगठन हैं वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के इलाके में काम कर रहे हैं। इन संगठनों ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने की कोशिश की है और इन्होंने यह प्रयास किया है कि आदिवासी कानूनों के माध्यम से या संविधान के माध्यम से जो नागरिकता अधिकार उन्हें दिए गए हैं वो उन्हें प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। इस लिहाज से अगर हम इस किताब को देखें तो यह किताब लोकतंत्र के साथ आदिवासियों के संबंध की एक कहानी भी बयां करती है और विशेष रूप से इसमें पिछले 20-25 वर्षों के की राजनीति के दौरान आई उथल पुथल की कहानी बयां की गई है। लेकिन किताब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है बल्कि किताब मुख्य रूप से दो भागों में बटी हुई है और इन दो भागों में एक भाग वह है जहां पर लेखक ने ऐतिहासिक रूप से भीलों की स्थिति को समझने का प्रयास किया है। इसमें वो औपनिवेशिक दौर और उत्तर औपनिवेशिक दौर में 80 के दशक तक की राजनीति का वर्णन करते हैं और दूसरा भाग वह है जिसे वो सिटीजनशिप का नाम देते हैं। इस दूसरे भाग में उन्होंने नागरिकता के अधिकारों को लेकर आदिवासियों के संघर्षों का वर्णन किया है। उन्होंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से आदिवासी अपने अधिकारों को पाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरी पुस्तक है उसमें एक प्रस्तावना और निष्कर्ष के अलावे कुल 6 अध्याय हैं और ये 6 अध्याय दो अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। एक भाग में 3 अध्याय हैं जो कि मुख्य रूप से ऐतिहासिक परिदृश्य का वर्णन करता है और दूसरे भाग में भी 3 अध्याय हैं जो कि नागरिकता को लेकर चलने वाले समकालीन संघर्षों यानी कि पिछले 15-20 वर्षों के संघर्षों की कहानी प्रस्तुत करता है। अगर हम अध्ययन पद्धति की बात करें तो अगर ऐतिहासिक राजनीति का जो हिस्सा है किताब का उसमें काफ़ी हद तक अलग अलग संदर्भों का लेखक ने इस्तेमाल किया है, लेकिन जो समकालीन दौर है उसकी राजनीति को समझने के लिए लेखक ने मुख्य रूप से जिसे हम ओरल नैरेटिव कह सकते हैं उस पर भरोसा किया है और उन्होंने 60 से भी ज़्यादा एक्टिविस्टों, भील एक्टिविस्टों, गैर भील एक्टिविस्टों से बातचीत की है, उन एक्टिविस्टों से बात की है जो कि आदिवासी संगठनों में काम करते हैं और उन हर तरह की बातचीत के आधार पर और उन लोगों के वृत्तांत के आधार पर उन्होंने यह कहानी प्रस्तुत करने की कोशिश की है या बताने की कोशिश की है कि किस तरीके की समस्याओं का सामना भील लोग कर रहे हैं नागरिकता, संविधान और संविधानिक प्रावधानों के माध्यम से बने कानूनों को लेकर उनका अनुभव किस प्रकार का रहा है। लेखक जब इस किताब के सैद्धांतिक पहलुओं का विवरण देते हैं तो वो पार्थ चटर्जी के इस सुप्रसिद्ध विभाजन का सहारा लेते हैं जिसमें चटर्जी ने सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज और पॉलिटिकल सोसाइटी या राजनीतिक समाज के बीच में अंतर किया है और वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल सोसाइटी होती है उसके पास
संविधान के हिसाब से तो सारे अधिकार होते हैं, लेकिन वास्तव में वह इन अधिकारों का प्रयोग करने में समर्थ नहीं होती है और वह अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए अमूमन कानून से कानून के दायरे से बाहर चली जाती है और राज्य इन्हें कुछ कंसेशन, कुछ छूट प्रदान करता है। और चटर्जी ने अपने बात के कामों में यह भी दिखाया कि असल में जो आदिवासी होते हैं वो पॉलिटिकल सोसाइटी के दायरे से भी बाहर होते हैं, यानी कि वो खुद को इस तरीके से गोलबंद नहीं कर पाते हैं कि वो राज्य के सामने अपनी मांगें भी रख पाएं। और इसी आधार पर नेल्सन ने चटर्जी की पूरी अवधारणा की सख्त आलोचना की है। नेल्सन का यह कहना है कि असल में चटर्जी इस बात को समझने में असमर्थ या नाकाम रहे हैं कि जो आदिवासी समूह हैं, जो आदिवासी लोग हैं, वो न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए हैं बल्कि वो कानूनों के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग भी कर रहे हैं। इसलिए नेल्सन के मुताबिक यह कहना बिल्कुल गलत है कि आदिवासी राजनीतिक समाज की यानी पॉलिटिकल सोसाइटी के दायरे से भी बाहर हैं और ये गुलबंद होकर किसी प्रकार के अधिकार की मांग नहीं कर सकते हैं। और नेल्सन यह बताते हैं जब वो किताब के पहले भाग का वर्णन करते हैं तो उसमें बहुत विस्तार से इस चीज़ को रखते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों के शासन की स्थापना होने के बाद एक नए तरह का की प्रशासनिक संरचना उभर कर सामने आती है और इस नए तरह के प्रशासनिक संरचना में वन विभाग एक मजबूत संगठन के रूप में सामने आता है। और ये एक पूरा इतिहास है जो विशेष रूप से इस किताब में उल्लेखित नहीं है, लेकिन अगर हम भारत में वनों के इतिहास को पढ़ें, भारत में आदिवासियों की ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं को पढ़ें तो हमें पाएंगे कि औपनिवेशिक दौर में बहुत व्यवस्थित तरीके से कानूनों के माध्यम से अंग्रेजों ने आदिवासी समूहों को शक्तिहीन, अधिकारहीन करने का काम किया और अधिकांश मामलों में उन्हें अतिक्रमक या इनक्रोचर घोषित कर दिया गया। और यह कहा गया कि जब तक वो कोई लिखित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करते हैं तब तक वो उस जगह के वास्तविक मालिक या वास्तविक अधिकारी नहीं हैं। अब इस सारी विश्लेषण में, इस सारी व्याख्या में जो नेल्सन हैं वो इस बात पर जोर देते हैं कि खास तौर पे भील लोगों ने कई बार छोटे छोटे विद्रोह किए और उन्होंने अपने अधिकारों की दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन वह बहुत ही मजबूती से अपने अधिकारों की दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसका कारण यह था कि अक्सर ये विद्रोह बहुत ही असंगठित और छुटपुट किस्म के थे, जिसके कारण से जो वन अधिकारी होते थे या जो दूसरे राज्य से जुड़े अधिकारी होते थे उनके लिए बड़ा आसान होता था इन लोगों को नियंत्रित करना। तो इस लिहाज से वो कोई ऐसा विद्रोह नहीं कर पाए जिससे कि शक्ति के जो पूरी अवधारणा है उसको वो पूरी तरीके से बदल पाए। नेल्सन ये बताते हैं कि जब हिंदुस्तान को आज़ादी मिली उसके बाद भी इस स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। कांग्रेस का शासन कायम हुआ और कांग्रेस के शासन में जो स्थानीय स्तर पर प्रभुत्वशाली वर्ग थे उनका प्रभुत्व या उनकी हेजेमनी कायम रही और इन वर्गों ने भीलों के या आदिवासियों के अधिकारों को उन्हें उन तक पहुंचने नहीं दिया जो उन्हें संवैधानिक अधिकार मिले हुए थे, बल्कि उन्हें नियंत्रण में रखा गया। वनों के संदर्भ में जो पहले के कानून थे वो ज्यों के त्यों कायम रहे और इस लिहाज से जो वन संसाधन थे उनके ऊपर आदिवासियों के अधिकारों को मान्यता नहीं दी गई, यानी कि आदिवासियों की स्थिति काफ़ी कमज़ोर बनी रही। और जो प्रवृत्ति आज़ादी के पहले के दौर में थी, यानी कि छुटपुट स्तर पर कुछ विद्रोह करना पर संगठित स्तर पर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष ना करना, ये जो एक स्थिति थी आदिवासियों के संदर्भ में वो आज़ादी के बाद के दौर में भी इस इलाके में कायम रही। नेल्सन ये कहते हैं कि इस स्थिति में परिवर्तन 1980 के दशक में शुरू हुआ और नर्मदा बचाओ आंदोलन और उसके बाद कई अन्य संगठनों के द्वारा, जो छोटे छोटे संगठन हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों ने इस स्थिति को बदला। और इस संदर्भ में वो इन दो संगठनों की स्थिति की भूमिका को ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं और उनका ये कहना है कि इनके जो कार्यकर्ता थे जो कि आमतौर पर मध्य वर्ग से आते हैं या उस समय भी आते थे, तो इन लोगों ने भीलों के बीच में काम किया और उनके बीच एक तरह का भरोसा पैदा करने की कोशिश की कि वो उनके अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और उन्होंने भील लोगों के साथ मिलकर स्थानीय स्तर पर
जो प्रशासन के लोग थे, वन विभाग के लोग थे, उनकी जो मनमानियाँ थीं, उनका जो एक दबदबा था भीलों के जीवन पर, उसको कम करने का प्रयास किया और कई मामलों में ये सफल भी हुए। तो इस लिहाज से ये जो मध्यवर्गीय कार्यकर्ता थे, उनका सतत संघर्ष, उनका लगातार संघर्ष और भीलों के साथ हमेशा जुड़कर काम करने की प्रवृत्ति, इन सब चीज़ों ने मिलकर भीलों के मन में ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए एक तरह का सम्मान कायम किया, इनके भीलों के मन में इनके लिए एक जगह बनी और जो भील आदिवासी युवक थे और जो इस तरीके के संगठनों के कार्यकर्ता थे, उन्होंने मिलकर भील लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष शुरू किया। और इस संदर्भ में जो लेखक हैं वो वन अधिकार कानून या राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम जैसे कानूनों के बनने और इन कानूनों के क्रियान्वयन के को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका यह कहना है कि इन कानूनों का बनना अपने आप में एक संघर्ष था, खासतौर पे वन अधिकार कानून है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, उसका बनना और उसके बाद उनको लागू कराने के लिए एक अलग स्तर पर संघर्ष करना पड़ा। लेकिन निल्सन का यह तर्क है कि धीरे धीरे जो इस तरीके के संगठन हैं जो जमीनी स्तर पर आदिवासियों के बीच में काम करते हैं, उन संगठनों के कामों के कारण और इन लगातार जो जमीन से पर गतिविधि करने के कारण आदिवासियों के भीतर भी कानून की एक समझ आई। और इस संदर्भ में वो पूरी स्थिति की व्याख्या करने के लिए लीगलिज्म फ्रॉम बिलो की अवधारणा का प्रयोग करते हैं। निल्सन लीगलिज्म फ्रॉम बिलो या जमीनी स्तर से कानूनवाद की पूरी अवधारणा जूलिया एकर्ट से लेते हैं। जूलिया एकर्ट ने मुंबई में निम्न वर्गों द्वारा कानून के उपयोग करने की प्रवृत्ति को के संदर्भ में लीगलिज्म फ्रॉम बिलो शब्दावली का प्रयोग किया था, जिसका अर्थ यह है कि किस तरीके से जो कमज़ोर तबके होते हैं वह भी अपने अधिकारों की दावेदारी करने के लिए कानून का प्रयोग करने लगते हैं, यानी कि कानून सिर्फ उनको नियंत्रित करने का साधन नहीं बना रहता है, बल्कि वो लोग भी जिनको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया जाता है, वो लोग भी कानून का अपने हकों के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं। तो निल्सन का यह तर्क है कि खेदित मजदूर चेतना संगठन और आदिवासी मुक्ति संगठन जैसे संगठनों के प्रयासों से जो भील आदिवासी हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश में, उन्होंने भी अपने अधिकारों के लिए गोलबंद होकर संघर्ष करना शुरू किया। और मैं यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी पुस्तक जंगल की हकदारी में भी बहुत ही स्पष्ट तरीके से दिखाया है कि किस तरीके से लीगलिज्म फ्रॉम बिलो के कारण, यानी कि जमीनी स्तर पर कानूनवाद के कारण, बहुत सारे स्थानों पर आदिवासी लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने थोपे गए विकास मॉडल का विरोध करने के लिए, यानी कि किसी बाहरी कंपनी द्वारा खनन का विरोध करने के लिए या किसी बाहरी कंपनी के उद्योग लगाने की परियोजना का विरोध करने के लिए वन अधिकार कानून या पेशा जैसे कानूनों का प्रयोग किया है। तो इसी तर्क को निल्सन भी आगे बढ़ाते हैं और वो कहते हैं कि हम आदिवासियों के कार्यों में इस तरह की एक तरीके के कानून के उपयोग को या जमीनी स्तर के कानूनवाद को, लीगलिज्म फ्रॉम बिलो को देख सकते हैं। लेकिन निल्सन इस बात को रेखांकित करते हैं कि यद्यपि कानून बने हैं, आदिवासी कुछ हद तक उनका प्रयोग भी करने लगे हैं, लेकिन हमें यह नहीं मानना चाहिए कि इससे जो मजबूत वर्ग थे राज्य स्तर पर, यानी कि राज्य प्रशासन और समाज के जो मजबूत तबके थे, इनका जो प्रभुत्व समाज में कायम था वो टूट गया, यह ऐसी स्थिति नहीं आई है। निल्सन कहते हैं कि हाँ, यह जरूर हुआ है कि अब जो एक बातचीत का दायरा था, जो एक संवाद का दायरा था, उसमें काफ़ी हद तक जिन्हें वो सबल्टर्न ग्रुप कहते हैं, यानी कि जो आदिवासी समूह हैं, उनके पास भी एक हथियार आया है और वो अब इसमें कुछ हद तक समानता के लिहाज से या समान स्तर पर अपनी बातों को रख पा रहे हैं। तो निल्सन का यह तर्क है कि जो जमीनी स्तर का कानूनवाद या लीगलिज्म फ्रॉम बिलो है, उससे कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, यह जरूर हुआ है कि आदिवासियों के पास भी अपनी बातों को रखने का, अपने अधिकारों की दावेदारी करने का एक साधन मिल गया है।
लेकिन इनका जो नेल्सन है उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण तर्क आता है कि किस तरह की समस्या आदिवासी संगठनों के सामने आती है जब वो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और इस संदर्भ में उनका ये कहना है कि उन्हें लगातार बल प्रयोग और दमन का सामना करना पड़ता है प्रभुत्वशाली समूहों के द्वारा। नेल्सन ये कहते हैं कि जो दो तरीके से बल प्रयोग का सामना आदिवासियों को करना पड़ रहा है या आदिवासी संगठनों को करना पड़ रहा है, खेदुत मजदूर चेतना संगठन और आदिवासी मुक्ति संगठन के कार्यकर्ताओं को, वो एक तो रूटीन कोअर्जन यानी कि दैनिक जीवन में दमन या बल प्रयोग से संबंधित है, और दूसरा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोअर्जन या असाधारण बल प्रयोग से संबंधित है। और इन दोनों तरह के कोअर्जन या बल प्रयोग या दमन की जो पूरी अवधारणा है उसके विकास में नेल्सन ग्राम्सी की सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल सोसाइटी की अवधारणा का सहारा लेते हैं। ग्राम्सी ये कहते हैं कि जो सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज होता है वहाँ पर नागरिक समाज के कई संगठन कार्यरत होते हैं, वो अलग अलग तरह की मांगें रखते हैं और राज्य उनमें एक तरीके की अपनी हेजिमनी कायम रखने के लिए या कॉन्सेंट जनरेट करने के लिए यानी कि उनकी सहमति पाने के लिए उनकी कुछ मांगों को स्वीकार भी कर लेता है। और पॉलिटिकल सोसाइटी में सेना, पुलिस, दमनकारी कानून जैसे संयंत्र होते हैं जिसके माध्यम से लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। तो आम तौर पर ग्राम्सी बोलते हैं कि जो हेजिमनी है वह नागरिक समाज के भीतर सहमति पैदा करके कायम रखी जाती है। इसी आधार पर जो नेल्सन है वो ये तर्क देते हैं कि जो रूटीन कोअर्जन होता है, जो दैनिक बल प्रयोग होता है, उसमें थोड़ा बहुत डराने धमकाने की बात होती है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो छोटी छोटी मांगें उभर कर सामने आती हैं अक्सर उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, और जो आदिवासी संगठन हैं उन्हें कुछ छूट प्रदान कर दी जाती है और उन्हें यह एहसास होता है कि उनकी मांगों को माना जा रहा है। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोर्जन इस तरीके का होता है जिसमें कि जो आदिवासी कार्यकर्ता होते हैं या आदिवासी संगठनों से जुड़े जो कार्यकर्ता होते हैं उन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए जाते हैं। मसलन किसी आदिवासी कार्यकर्ता को माओवादी घोषित कर दिया जाए, उस पर असाधारण कानून लगाकर उसको जेल के पीछे डाल दिया जाए जिससे कि उसके सामने एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वह अपने परिवार के भरण पोषण की या उसके अस्तित्व की चिंता करने लगे जिससे कि वह एक लंबे समय तक जेल में बंद रहने के लिए मजबूर हो जाए। तो ये दोनों ही तरह के दमन का सामना आदिवासी संगठन कर रहे हैं, ऐसा नेल्सन रेखांकित करते हैं। नेल्सन मोटे तौर पर यह बताने की कोशिश करते हैं कि जो आदिवासी समूहों की राजनीति है उसने एक हद तक आदिवासियों के बीच में चेतना पैदा की है, वे नागरिकों के रूप में अपने अधिकारों का दावा करने लगे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आ चुका है। इसलिए नेल्सन यह सुझाव देते हैं कि जो आदिवासी संगठन हैं इस संदर्भ में वो आंद्रे गोम्स की इस अवधारणा का प्रयोग करते हैं जिसमें वो नॉन रिफॉर्मिस्ट रिफॉर्म की बात करते हैं, यानी कि जो होना जो हो सकता है सुधार सिर्फ उस पर ध्यान ना देकर जो सुधार होना चाहिए उस पर ध्यान दिया जाए, यानी कि सुधारों के दायरे को बढ़ाया जाए, अपनी सोच के दायरे को बढ़ाया जाए। और ऐसा करने के लिए नेल्सन यह कहते हैं कि इन संगठनों को अन्य सबल्टर्न समूह यानी कि दलितों और पिछड़े वर्गों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और निश्चित रूप से यहाँ इनका इशारा चुनावी राजनीति की तरफ भी है। लेकिन अपने विश्लेषण में नेल्सन यह भी स्पष्ट करते हैं कि इस तरीके की जो पहचान की राजनीति वाले दल हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। वो कहते हैं कि पिछले कुछ दशकों की इनकी राजनीति के अनुभव से बात सामने आती है कि असल में ये बहुत आमूलचूल परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। लेकिन इसके बाद वो ये कहते हैं कि जो आदिवासी संगठन हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि वे जो वामपंथी समूह हैं या वामपंथी संगठन हैं उनके एजेंडा से कुछ सीखने की कोशिश करें या उनको अपनाने की कोशिश करें। हालांकि नेल्सन वामपंथी संगठनों की सीमितता को भी दर्शाते हैं और वे बोलते हैं कि वहाँ पर भी कुछ मुद्दे तो प्रासंगिक रूप से सामने आ पाते हैं लेकिन जो आदिवासियों की पहचान है वो काफ़ी हद तक पीछे छूट जाती है। तो इस लिहाज से उनका यह कहना है कि एक निरंतर संवाद और इन मुद्दों पर लगातार बातचीत करके ही जो आदिवासी समूह हैं, आदिवासी संगठन हैं, वो अपने लिए एक ऐसा एजेंडा या एक ऐसा रास्ता तैयार कर सकते हैं जिसके माध्यम से वो
ऐसी परिकल्पना कर पाएं कि उनके लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए, यानी कि सबसे अच्छी स्थिति उनके लिए क्या है, और फिर वो उस स्थिति के लिए संघर्ष करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। निश्चित रूप से नेल्सन की यह पुस्तक अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि वह एक ऐसे समाज में आदिवासियों के संघर्ष को दिखाती है जहाँ पर आदिवासी संगठन, आदिवासी कार्यकर्ता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई तरह के बल प्रयोग या हिंसा का सामना कर रहे हैं। कई बार यह बल प्रयोग बहुत हल्का होता है, कई बार वह गंभीर किस्म का होता है, लेकिन आम तौर पर वहाँ पर खूनी हिंसा नहीं होती है, जिसके कारण से कई बार इस तरीके के मामलों की चर्चा हम आम तौर पर मीडिया में नहीं सुनते हैं। नेल्सन ऐसे समूहों की राजनीति की कहानी हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मुझे यह लगता है कि नेल्सन की किताब की कुछ बुनियादी सीमाएं हैं जिसकी तरफ लेखक को ध्यान देना चाहिए था। मिसाल के तौर पर वो बहुत अस्पष्ट तरीके से भीलों के बीच के आपसी अंतर्द्वंद को सामने नहीं लाते हैं। भील एक मोनोलिथिक या एक काश्मी एक रूपीय श्रेणी के रूप में सामने आता है, जिसके भीतर कोई गहरा अंतर विरोध नहीं है, जिसके भीतर अलग अलग तरह की आवाज़ें नहीं हैं, जिसमें हर कोई एक ही तरह की आवाज़ में बोलता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर लेखक को ज़्यादा स्पष्ट तरीके से आदिवासियों के भीतर की राजनीतिक उथल पुथल को समझने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो या कोई अन्य प्रदेश, वहाँ अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में सफल होती है, दक्षिणपंथी शक्ति चुनाव में सफल होती है, तो इसका मतलब ये है कि आदिवासियों का एक बड़ा समूह भी उन्हें समर्थन दे रहा है। लेकिन इस तरह का कोई गहरा विश्लेषण कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, नेल्सन नहीं देते हैं। दूसरा, नेल्सन का पूरा अध्ययन दो संगठनों पर केंद्रित है, खेदुत मजदूर चेतना संगठन और आदिवासी मुक्ति संगठन। अब नेल्सन यह बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन संगठनों का दूसरे संगठनों से कैसा संबंध था, यानी कि अगर हम किसी भौगोलिक क्षेत्र को, भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्र को लेते हैं, तो वहाँ कोई एक संगठन ही काम नहीं करता है, वहाँ कोई दो संगठन ही काम नहीं करता है, वहाँ कई अन्य संगठन भी काम करते हैं। और जब हम किन्हीं एक या दो संगठनों की राजनीति को समझना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें यह भी ध्यान देना चाहिए कि उन्हीं समूहों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले अन्य संगठनों की राजनीति क्या है, और उनका इन संगठनों से, जिनका कि हम अध्ययन कर रहे हैं, कैसा संबंध है। नेल्सन इस तरह का कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं करते हैं। तीसरे स्तर पर नेल्सन यह बात भी ध्यान देने है योग्य है कि नेल्सन जिन दो संगठनों की बात कर रहे हैं वो वामपंथी रुझान वाले हैं। अब यह समझने की ज़रूरत है कि उस क्षेत्र में आदिवासियों के बीच काम करने वाले दक्षिणपंथी संगठन की राजनीति क्या है। क्या यह संगठन उन्हीं मुद्दों को उठाता है जिन मुद्दों को ये दो संगठन उठा रहे हैं? इस संदर्भ में वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन का अध्ययन और उनका इन दो संगठनों के एजेंडा के साथ तुलनात्मक अध्ययन ज़्यादा महत्वपूर्ण और सार्थक हो सकता था। नेल्सन ऐसा नहीं करते हैं। चौथे स्तर पर नेल्सन वन अधिकार कानून की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से उन्हें बताने की कोशिश नहीं करते हैं कि इन आदिवासी इलाकों में वन अधिकार कानून को लागू किया गया तो किस हद तक किया गया, और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। तो मुझे ये लगता है कि नेल्सन की किताब की कुछ ये सीमाएं हैं जिससे अगर लेखक जूझते तो किताब और सार्थक बन सकती थी, लेकिन इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि यह पूरी किताब हमें आदिवासियों की राजनीति और विशेष रूप से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथ, लोकतांत्रिक प्रावधानों के साथ उनकी राजनीति को समझने के लिए गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। इसलिए हम में से कोई भी अगर आदिवासी मुद्दों को समझना चाहता है तो उसे निश्चित तौर पर इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो इसमें सैद्धांतिक विमर्श और जो जमीनी स्तर की राजनीति है दोनों को एक साथ जोड़ने और एक सैद्धांतिक रूपरेखा प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। परख के इस अंक में मैं यही विराम लूँगा। अगले अंक में हम मिलेंगे और हम एक और पुस्तक की विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि कृपया आप हमें अपनी उन टिप्पणियों से अवगत कराएं जो आपके मन में है परख कार्यक्रम को लेकर, ताकि हम इसे और ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा सार्थक बना सकें। नमस्कार।